नमस्ते दोस्तों, क्या आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है और आपके दिमाग में ओला बैठ चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का सिलेक्शन कैसे करें, पहले तो ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। और दूसरा, अगर आपको ओला इलेक्ट्रिक लेना है तो क्या ये एक्चुअली में सही है लेना या गलत है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सारे एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही डिटेल होने वाला है, पूरा एनालिसिस ओला के बारे में, उसके पास से अभी तक सारी चीजें आपके सामने खोल के रखने वाला हूं। तो अगर आपको जानना है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में सारा सच, अच्छा बुरा, अच्छी हर चीज होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, अच्छी भी होती है, बुरे भी होती है, कंपनीज भी अच्छी बुरी होती है, जैसे इंसान अच्छा बुरा होता है उसका प्रोडक्ट भी अच्छा बुरा होता है, तो सारी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर देख रहे हैं तो पूरा एंड तक देखिए या निकल जाइए, क्योंकि बात यह है ना, आधा अधूरा जानकारी आप लेते हो और फिर घटिया कमेंट्स करते हो नीचे, तो ये नहीं करना है। आपको पूरा जानकारी लेना है, पूरा नॉलेज लेना है, वीडियो एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि हमेशा डिटेल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो यहां पे मैं ओला इलेक्ट्रिक का वेबसाइट खुल चुका हूं, ओला भारत ईवी फेस्ट। बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम करने वाले हैं जो बहुत ही हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द इलेक्ट्रिक स्कूटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल। पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर सिलेक्शन का पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, एक नंबर का क्राइटेरिया, लेट मी इरेज दिस, ओके ओके, एक नंबर का क्राइटेरिया बन जाता है पॉइंट नंबर वन, क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर को रेंज अच्छी है। रेंज मतलब क्या, अभी ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, रेंज मतलब क्या, रेंज मतलब कितना देती है, तो किलोमीटर, कितना किलोमीटर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलेगी, दैट इज नथिंग बट द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो इस अगर आप ये पैरामीटर आपके दिमाग में है तो ऑफकोर्स ओला इलेक्ट्रिक इज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओला S1 Pro Gen 2 को बोला जा रहा है कि 195 किलोमीटर का इसको रेंज मिलेगा, ARAI सर्टिफाइड रेंज लगभग 195 का है, तो ट्रू रेंज 180 तक का मिल जाएगा, ऐसा कहना है ओला S1 Pro Gen 2 का। अगर आप दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखोगे तो एथर है, जिसमें एथर का अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो लगभग उसको ट्रू रेंज 110 किलोमीटर तक का मिल रहा है। अगर आप बजाज चेतक देखते हो तो लगभग 95 किलोमीटर का ट्रू रेंज मिल जाता है। अगर आप देखोगे TVS iQube लगभग 100 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। तो ये सारे रेंजेस है। तो अभी टॉप 5 सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ओला, एथर, बजाज, TVS एंड एम्पियर, इन सारे पांचों इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगभग रेंज 100 किलोमीटर का मिल रहा है। अभी रेंज पैरामीटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज मतलब एक बार चार्ज करने में कितना चलेगी। तो अगर आपकी रोज की रनिंग 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर रोज का रनिंग है, और आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो रेंज आपको देता है 100 किलोमीटर की, मतलब 5 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। मतलब आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में अगर 100 किलोमीटर का रेंज है और रोज वो चल रही है 20 किलोमीटर, तो मतलब हर पांच दिन के बाद आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा। हर 5 दिन के बाद चार्ज करोगे तो एक साइकिल उसका कंज्यूम होगा। अभी ये पांचों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है टॉप 5 सेलिंग में, इनसे इनमें जो है वो NMC केमिस्ट्री का बैटरी है, निकेल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड। ओला में NCA केमिस्ट्री का है, बट NCA NMC इनके जो लाइफ साइकिल है ऑलमोस्ट सेम है, लगभग 800 से 1000 साइकिल्स इसमें मिल जाते हैं। मतलब अगर आपका रोज का 20 किलोमीटर रनिंग है, आप वीक में इसको 5 दिन के बाद एक बार चार्ज करते हो, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि महीने में लगभग आपको यह 4 से 5 बार चार्ज करना पड़ेगा, पकड़ लेते 6 बार चार्ज करना पड़ेगा, 6 × 5 इज 30 डेज, तो 30 डेज में लगभग ये आपको 6 बार चार्ज करना पड़ेगा। और अगर आपको 800 नहीं, मैं तो बोलूंगा 600 साइकिल्स भी मिल जाए, 600 साइकिल्स अगर मिल रहे हैं और हर महीने में आप 6 बार चार्ज कर रहे हो, 6 times a month, तो टोटल 100 महीने ये चलेगा, 100 months। अगर 100 months आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी इंटैक्ट है, 100 months अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी इंटैक्ट है, तो आप उसको साल में कन्वर्ट कर सकते हो। 100 months डिवाइडेड बाय 12 करो, आपको पूरे साल का नॉलेज मिल जाएगा। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, रोज का 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का रेंज है, रोज का 20 किलोमीटर मतलब हर 5 दिन बाद चार्ज करना पड़ेगा, तो महीने में आपको लगभग 6 बार चार्ज करना पड़ेगा, एक महीने में 6 बार करोगे। अगर आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को 600 साइकिल मिल रहे हैं, तो 600 साइकिल एक महीने में 6 बार, तो टोटल 100 महीने मिल जाएंगे,
बराबर, एकदम इजी करके आपको बता रहा हूं। और एक मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। साइकल्स मिल रहे कितना, 800 साइकल्स दिख रहा है ना आपको, ओके 800 साइकल्स आपके ओला इलेक्ट्रिक में मिल रहे हैं, ओके समझ लो बैटरी को 800 साइकिल है। एक साइकिल में, वन साइकिल सपोज वो 100 किलोमीटर जा रहा है, एक साइकिल में 100 किलोमीटर जा रहा है, तो 800 साइकिल में 800 इंटू 100 आप करो तो 80,000 किलोमीटर वो जाएगा, मतलब 80,000 किलोमीटर आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की लाइफ है। अगर आपका रोज का रनिंग सपोज 20 किलोमीटर है, इसको मैं 20 किलोमीटर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये उड़ गया, यहां से जाएगा ये 4,000 हो जाएगा। रोज का अगर 20 किलोमीटर है तो 80,000 भागीले 20 कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, 4,000, 4,000 डेज, मतलब 4,000 डेज चलेगा, 4,000 डेज अगर साल में कैलकुलेट करो आप, इसमें कंसिडर कर लो ऐसा आपने 300 दिन किया, साल के 300 दिन, एक साल में 300 दिन होते हैं, तो आपको रफ मिल जाएगा कितना, 12 साल तक मिल सकता है लगभग। बट हमेशा ये 100 किलोमीटर का रेंज नहीं देगा, बैटरी अगर उसकी ओल्ड हो गई तो 100 का रेंज नहीं मिल सकता है, तो फिर 12 साल नहीं चलेगा, शायद वो 8 ही साल चलेगा। अगर आपका रनिंग ज्यादा है, रोज का आपका मतलब रनिंग पकड़ लो 20 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर है, तो ये 12 नहीं, ये 6 साल ही चलेगा। अगर आपका रोज का रनिंग कितना 80 किलोमीटर है तो 1,000 दिन ही चलेगा, रोज का अगर 80 किलोमीटर है रनिंग, तो आप क्या करोगे 80,000 डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो क्या हो जाएगा 1,000 दिन, तो 1,000 दिन मतलब क्या, 3 साल चलेगा। इसलिए तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी की वारंटी 3 साल देते ये लोग, समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ओला इलेक्ट्रिक इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मैं नहीं बोल रहा कि बुरा है, बट मुझे आप बोलो आप में से कितने लोगों को एक्चुअली इतना रेंज मिल रहा है ओला इलेक्ट्रिक में, ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो पहला पैरामीटर होता है रेंज डिसाइड करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा मुझे लगता है मेरे लिए सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सर्विस, बहुत सारे लोग सर्विस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, और सर्विस कौन से ब्रांड की अच्छी होती है, जो रिलायबल ब्रांड है। जैसे मेरे लिए रिलायबल ब्रांड कौन सा है, मैं सोचता हूं बजाज रिलायबल ब्रांड है, मेरे लिए टीवीएस रिलायबल ब्रांड है। फिलहाल तो मुझे ये दोनों ही रिलायबल लग रहे हैं, क्योंकि भाई सॉरी टू से, क्योंकि ये दोनों ही एक्चुअली अच्छी सर्विस दे रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब एज पर माय नॉलेज। अगर आपको कुछ दूसरा ब्रांड लग रहा है तो आप बता सकते हो। मुझे लगता है टीवीएस एंड बजाज, बिकॉज दीज टू ब्रांड्स, ये जो दो ब्रांड है ना ऑलरेडी ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, दीज टू ब्रांड्स आर ऑलरेडी इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ये कोई सालों से, डिकेड 10 साल से भी ज्यादा से ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये दो ब्रांड्स है। तो ऑफकोर्स इनको पता है गाड़ी कैसे बनाते, कैसे बेचते, कैसे सर्विस करते, कैसे मेंटेनेंस करते, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है इनका। लुक्स में भी ये एक ऑथेंटिक लगता है बजाज और टीवीएस, क्योंकि पुराने मॉडल से उनके, उनका डिजाइन पेटेंटेड है, उनका पूरा स्ट्रक्चर्ड है, तो उसी प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनाते हैं, ओके okay, तो सर्विस मुझे ऐसा लगता है बहुत मायने रखता है। और सर्विस की बात करें तो यहां पे अभी मुझे आपको ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओला सर्विस में कितना मार खा रहा है। लेट मी शो यू, ओला कस्टमर्स प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ शोरूम, देखिए ये बहुत ही जूम हो गया भाई, ओला कस्टमर्स प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ शोरूम वॉन्ट सर्विस सेंटर शट डाउन, ये ओला की बात चल रही है। देन ओला इलेक्ट्रिक प्लान्स टू चार्ज अ सब्सक्रिप्शन फी फॉर क्रूज कंट्रोल ऑन इट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर, मतलब अभी तक सबने फ्री, सब फ्री दे दिया, बट अभी बोल रहे हैं कि आपको क्रूज कंट्रोल यूज करना है ना, तो शायद हम आपको सर्विस चार्ज लेंगे, एडिशनल इसका चार्ज लेंगे, बुरी बात है। फ्रस्ट्रेटेड ओला इलेक्ट्रिक कस्टमर प्रोटेस्ट आउटसाइड शोरूम, ओला इलेक्ट्रिक वॉन्ट्स यू टू पे सब्सक्रिप्शन। तो आपको यह जानना इंपॉर्टेंट है कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में, अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है तो वो स्कूटर कैसे बाय करें हम। तो ये दूसरी बात हो गई सर्विस की। अभी तीसरी बात जिसके पीछे लोग पागल जैसे भाग रहे, भाई पागल जैसे भाग रहे लोग, क्या है वो है फीचर्स। नाउ यू टॉक अबाउट ओला इलेक्ट्रिक, फीचर्स की भरमार है, फीचर्स की। मूव OS 4 अपडेट है, फिर उसमें म्यूजिक है,
फिर जियो नेविगेशन है, फिर आपको कॉलिंग मिल जाएगा, फिर आपको पार्टी मोड मिल जाएगा, प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक मिल जाएगा आपको। क्या ये फीचर्स रियली रिक्वायर्ड है आपको? तो आपको कौन से फीचर्स चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हो बट अगर आपको पता नहीं कि फीचर्स कौन से चाहिए तो डू यू रियली नीड ग्रेट फीचर्स? ओके, डू यू नीड फीचर्स? फीचर्स की जरूरत है क्या आपको? फीचर्स की जरूरत है क्या? तो ओला एथर ये फीचर्स में आपको ज्यादा एंगेज कर रहा है। ऑफकोर्स मैं नहीं बोलता कि प्रोडक्ट बुरे है बट आपको एज अ कस्टमर सोचना चाहिए कि आपको गाड़ी चलाते समय क्या गाने सुनने की जरूरत है। डू यू रिक्वायर म्यूजिक? आप अगर सिटी में गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या नेविगेशन की रिक्वायरमेंट है? डू यू रिक्वायर नेविगेशन इफ यू आर राइडिंग द व्हीकल इन द सिटी? अगर गाड़ी चला रहे हो तो क्या आपको कीलेस एंट्री चाहिए? क्या आपको प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक चाहिए? क्या आपको मैप्स चाहिए? मैं बोलूंगा अगर चाहिए तो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर नहीं चाहिए आपको, आप डेली सिटी में गाड़ी यूज करते हो, कम्यूटिंग का रूट फिक्स है, ऑलरेडी सिटी में इतना आपका पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन, उसमें आप गाने कैसे सुनोगे? तो ये भी सोचने की बात है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बजाज जो है और जो TVS है, अभी कोई जो XYZ लोग है वो बोलेंगे बजाज ने पैसा दिया क्या, TVS ने पैसा दिया क्या? भाई मैं अभी तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं देता अभी, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है बजाज एंड TVS का इस चीज़ में बहुत ही सॉर्टेड है। वो आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं दे रहे तो सिंपलिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, दैट इज वॉट आई फील। तो तीसरा, फीचर्स के क्या आपको रियली रिक्वायरमेंट है? पहला पॉइंट मैंने लाइफ साइकिल बोला, रेंज बोला, दूसरा पॉइंट मैंने बोला सर्विस, तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ फीचर्स की क्या आपको रियली रिक्वायरमेंट है। चौथा पॉइंट, अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लेना चाहते हैं, जो कंफ्यूज्ड है भाई करे क्या हम ले या ना ले, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो हो सकता है, तो उनके साथ ये शेयर कर दीजिए। अभी मैं जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि मोटर का टाइप। मोटर, क्या आपने पहिए में बैठने वाला BLDC मोटर लेना चाहिए, BLDC मोटर वाला स्कूटर लेना चाहिए, या आपने PMSM या IPMM, जो ओला है उसमें IPMM है, बजाज एथर इनमें PMSM है, TVS में BLDC है। तो मोटर टाइप के ऊपर से भी सिलेक्शन हो सकता है। जब आपकी मोटर पहिए में बैठती है तो उसको डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, गाड़ी जब खड्डे में से जा रही है, पॉटहोल में से जा रही है, खड्डा अच्छा नहीं है, सॉरी रास्ता अच्छा नहीं है, तो गाड़ी में जो इम्पैक्ट होगा, जिस चीज़ के ऊपर से गाड़ी जाएगी उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मोटर को होगा, क्योंकि BLDC जो मोटर होती है वो हब में बैठती है, उसको हब मोटर बोलते हैं, तो जो पहिया होता है उसमें बैठ जाती है। तो इफ़ द रोड इज़ नॉट गुड, आई थिंक आपने अगर गाँव में यूज़ करना है तो शायद AC मोटर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा लगेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन है बजाज चेतक, इसमें ऑप्शन है हीरो विडा, इसमें ऑप्शन है एथर, और इसमें ऑप्शन है ओला। ये चार ऑप्शंस आपके सामने, ये चार ऑप्शंस जो है इसमें आपको AC मोटर मिला है। बहुत सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं सिर्फ बेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। BLDC में बहुत ऑप्शन है, TVS का iQube है, फिर आपको मिल जाता है ओकाया, फिर आपको मिल जाता है एम्पियर, मतलब इसमें लिमिट ही नहीं, बहुत सारे हैं। बट अगर आपको PMSM वाला लेना है, बेस्ट बजाज विडा एथर एंड ओला, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अभी अगला ऑप्शन ले रहा हूं भाई, जितना नॉलेज है पूरा दे देता हूं मैं, आधा अधूरा नॉलेज कभी नहीं देता, तो इसको मैंने ये छोटा कर दिया फिर से। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें फिक्स बैटरी पैक चाहिए या रिमूवेबल बैटरी पैक चाहिए, इसके ऊपर भी सिलेक्शन हो सकता है। डू यू वॉन्ट फिक्स बैटरी पैक और रिमूवेबल बैटरी पैक? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स। सो अगर आपको फिक्स बैटरी पैक चाहिए, ऑफकोर्स मैं तो बोलूंगा फिक्स बैटरी पैक इज बेटर, क्योंकि गाड़ी में जितना बैटरी पैक रहता है उसकी सेफ्टी उतनी अच्छी रहती है, उसका मेंटेनेंस ईजी हो जाता है, उसका वाटर प्रूफिंग अच्छा हो जाता है, वो जितने बार आप गाड़ी से निकालोगे डालोगे उतना उसमें प्रॉब्लम्स होने की शक्यताएं हैं। अगर आपने बैटरी गाड़ी से निकाला फिर से डाल दिया और करेक्शन अच्छे से नहीं किया तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है।
अगर आपने आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी बार बार निकाली, बार बार डाली, तो शायद लूज कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगा फिक्स बैटरी पैक इज ऑलवेज बेटर। बट कोई कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो डिटैचेबल बैटरी पैक के साथ आ रहे हैं, जैसे हीरो वीडा। हीरो वीडा का डिटैचेबल बैटरी पैक है, बट हीरो वीडा हीरो मोटो कॉर्प का ब्रांड है, तो उसका जो डिटैचेबल बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा वो अच्छा होगा, और जो डिटैचेबल या रिमूवेबल बैटरी पैक का इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा वो आगे जाके बैटरी स्वैपिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो बैटरी स्वैपिंग में सबसे बड़ी छलांग जो है वो गोगोरो मार रहा है अभी, बट आगे जाके ये सारे बड़े प्लेयर्स जो है, हीरो मोटो कॉर्प भी बैटरी स्वैपिंग में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी डिटैचेबल बैटरी पैक है। तो फिक्स बैटरी पैक में क्या क्या ऑप्शन है, फिर से बजाज, एथर, ओला, ये मेनली प्रोमिनेंट ऑप्शन है। और अगर आप रिमूवेबल बैटरी पैक जाते हो तो मैं तो एक ही बोलूंगा, वीडा। वीडा एक बेस्ट ब्रांड है, आप वीडा के साथ जा सकते हो। तो ये चार पांच चीजें मैंने आपको बोली, मैं इसको फिर से लिस्ट कर देता हूं आपके लिए। ओके, तो मैं एक बार फिर से लिस्ट बना देता हूं कौन कौन से पैरामीटर है जिसके ऊपर से आप इलेक्ट्रिक स्कूटर का सिलेक्शन कर सकते हो। पहला पैरामीटर रेंज, मतलब कितना देती है। दूसरा सर्विस, सर्विस के लिए मैंने आपको ओला का बेस्ट एग्जांपल दिया, सर्विस के इशू बहुत चल रहे हैं। देन आई टॉक्ड अबाउट क्या, ब्रांड वैल्यू। देन आई टॉक्ड अबाउट द क्या फीचर्स। देन आई टॉक्ड अबाउट व्हाट डू यू रिमेंबर, मोटर कौन से टाइप का है। एंड देन आई टॉक्ड अबाउट द बैटरी, बैटरी जो है वो फिक्स्ड है या डिटैचेबल है। तो ये छह चीजों के ऊपर से आप ऑफकोर्स आपको जो अच्छा लगे टेस्ट राइड लेके डिसाइड करोगे कौन सा है। अभी थोड़ा सा ओला के जो ऑफर्स चालू है उसके बारे में बातचीत करूंगा। ऑफकोर्स टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मार्केट में तबाही कर रहा है, बट सर्विस के इशू चालू है, ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट फिर भी आई एम गोइंग टू शो यू दैट इलेक्ट्रिक स्कूटर, एंड मैं बजाज चेतक भी दिखाऊंगा। एथर मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगता है, बट कंसिडरिंग द बिल्ड क्वालिटी एथर इज बेटर एज कम्पेयर टू ओला, दैट इज व्हाट आई फील। आपका जो ओपिनियन है वो आप डाल सकते हो। एंड देन आपको मैं हीरो वीडा भी दिखाऊंगा। अभी तक वीडियो देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन द एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये छह पॉइंट के ऊपर से आपको जो अच्छा लगता है वो आप डिसाइड करो। मुझे बजाज चेतक अच्छा लगता है क्योंकि बजाज चेतक में सर्विस आपको अच्छी मिल जाती है। बजाज चेतक एक बड़ा ब्रांड है एंड बजाज चेतक में फीचर्स कम है, बट एक्चुअली इफ यू सी फीचर्स की उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एंड टॉक अबाउट मोटर, तो बजाज चेतक की मोटर भी अच्छी है एंड द बैटरी जो है वो भी फिक्स्ड है, तो उसमें आईपी रेटिंग जो है वो अच्छा खासा है। बैटरी फिक्स है तो वाटर प्रूफिंग अच्छा मिल रहा है, डस्ट प्रूफिंग मिल रहा है, IP67 मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं उसके ऊपर से मैंने आपको बजाज चेतक बोला। नाउ लेट्स गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ओला इलेक्ट्रिक। किधर गया ओला इलेक्ट्रिक, यस। तो ये बोला है भारत का ईवी फेस्ट। भाई मैं बोल रहा हूँ फेस्ट बीच बाद में करो, आप पहले अच्छी सर्विस दो लोगों को। ओके, मेनी पीपल आर फेसिंग इश्यूज विद द सर्विस ऑफ ओला इलेक्ट्रिक, दिस शुड नॉट हैपन। ओके, तो यहाँ पे तीन मॉडल्स आपके हैं। सबसे बड़े इशू ओला S1 Air में चल रहे भाई, बहुत बड़े इशू। मैं अलग सा वीडियो बना सकता हूँ इशूज ऑफ ओला S1 Air। फिर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं यू हेट ओला, आपको ओला अच्छा नहीं लगता तो आप ओला को गाली दे रहे हो। भाई जो अच्छा है वो आपके सामने लाना मेरा व्हाट यू कैन से, इट्स माय ड्यूटी टू ब्रिंग व्हाट एवर इज द पॉजिटिव और नेगेटिव इन द मार्केट। आई हैव टू मेक श्योर कि आई मेक द वीडियो एंड शेयर दैट विथ यू। सो अभी सबसे बड़े इश्यूज जो है लोग फेस कर रहे हैं ओला S1 Air पे। ओला S1 Pro Gen 2 का बिल्ड क्वालिटी पुअर हो चुका है एज कम्पेयर टू द Gen 1 ऑफकोर्स। एंड उसमें ऑफकोर्स 4 kWh का बैटरी पैक है, 195 km का रेंज मिल रहा है एंड द स्पीड इज ऑल्सो इंक्रीज द टॉप स्पीड। बट ओवरऑल इफ यू सी आई फील रियली वेरी सॉरी कि ओला